नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के क्रम में पटखोलिया भटपुरवा बसहिया गांव निवासी शेषनाथ पाठक की 6 वर्षीय पुत्री आराध्या पाठक ने राम मंदिर निर्माण के लिए कुलक में काफी दिनों से सपने की तरह सजोए 2000 रुपये अपने स्वेच्छा से दान किया है। आराध्या ने बताया कि शुरू से ही मेरा भगवान के प्रति आस्था और विश्वास है और यह छोटा सा दान जिसे मैं सपनों की तरह धीरे धीरे अपने गुल्लक में इकट्ठा की थी आज प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। इस मौके पर आराध्या की माता भावना पाठक भी मौजूद रही। इस दौरान रित तिवारी, अंकित शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, विपिन पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज सुनाते हैं कि आराध्या पाठक और SN पाठक ने इस बाबत क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? आराध्या पाठक। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? बेटा, ये जो तुमने राम मंदिर में योगदान दिया है, ये आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसने पापा ने बताया। अच्छा, कितने दिनों से तुम ये पैसा इकट्ठा कर रही थी अपने गुलक में? बहुत दिन से। चलो ठीक। सर, आपकी बच्ची ने राम मंदिर में चंदा दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके बाबा ने इसकी प्रेरणा दी कि बेटा तुम पैसा इकट्ठा करोगे जब राम मंदिर बना दोगे तो इन्हें कहा हाँ देंगे, मेरे लिए गुलक ला दीजिए। मैं इसको लाके गुलक दिया, इसने इकट्ठा किया, कई दिनों से इकट्ठा कर रही थी। जब उस दिन राम मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से लोग आए तो इसने अपने तरफ से ही दान दिया। मैंने पूछा दोगी तो बोला हाँ दूंगी मैं। सर, लगभग कितना इकट्ठा किया था बच्ची ने दिया हुआ? नियर अबाउट आई थिंक देर वॉज 2000 रुपीज़, 2000 से ज़्यादा ही रहा होगा। ओके।